Hey guys, Kitaab ji, this is Yaman. We welcome back to my channel. मैंने सोचा मैं आया हुआ हूँ घर एंड मैं पिछली बारी जब घर आया था मैं मम्मी के साथ वीडियो शूट नहीं कर पाया था कुछ बट मैंने सोचा इस बारी आया तो इस बारी तो कुछ शूट करके जाऊंगा क्यों मम्मी बिल्कुल पिछली बारी भी जब मैंने पिछली एक वीडियो मम्मी के साथ शूट की थी मैंने उन्नति और मम्मी ने वो भी काफी अच्छी की उससे पहले भी मैंने और मम्मी ने एक वीडियो शूट की थी आपको याद होगा स्नैक्स टेस्ट करवाए थे मैंने मम्मी को बहुत डिफरेंट डिफरेंट एंड वो बहुत अच्छी लगी थी सबको मेरे को काफी लोगों ने बोला था कि वो बहुत अच्छी लगी है वो है ही बहुत अच्छी है ना और मम्मी के रिएक्शंस बहुत क्यूट निकले थे उसमें तो मैंने सोचा क्यों ना वैसी ही टाइप की एक और वीडियो बनाई जाए मोस्टली मेरे मम्मी है जो वो प्रॉपर पंजाबी है एंड वो मोस्टली जब खाना खाते हैं तो वो ज्यादातर पंजाबी खाना होता है या फिर इंडियन खाने खाते हो ज्यादा तो इंडियन मतलब इंडियन ही खाना खाते हैं ज्यादा बाहर का मम्मी खाना नहीं प्रेफर करते अगर मैं उनको बोलता भी हूँ कि मैं बाहर से मंगा रहा तो मम्मी कहते हैं कि नहीं मेरे को घर से खाना ही अच्छा तो ठीक है बट आज की वीडियो आपको घर खाना तो नहीं मिलेगा सॉरी आज आपको मैं डिफरेंट डिफरेंट क्यूजींस ट्राई करवाने वाला हूँ तो मैंने ऑर्डर किए कुछ बहुत ही डिफरेंट क्यूजींस एंड जो आपने कभी नहीं खाए होंगे फॉर श्योर तो वो मैं आपको टेस्ट करवाने वाला हूँ एंड फिर देखते हैं आपके रिएक्शन कैसे निकलते हैं आपको पसंद आते हैं कि नहीं पसंद आते ठीक लगते हैं कि नहीं ठीक लगते जैसा भी होगा पता लग जाएगा आर यू रेडी मम्मी जो पहला क्यूजीन मैं आपको टेस्ट करवाने वाला हूँ वो वन ऑफ माई फेवरेट है ठीक अच्छा। है एंड मैं शुरू इससे करना चाहता था बिकॉज मैं ज्यादातर वही खाता रहता हूँ मैं और उन्नति और ऋषु वहाँ पे वही खाते रहते हैं आपने देखा भी होगा मेरे ब्लॉग्स पे कि रोज हम मोस्टली ऑर्डर करते हैं सुशी जो मम्मी ने पक्का कभी नहीं खाई है वो मैं आपको टेस्ट करवाने वाला हूँ मैंने सोचा सुशी जो है वो अच्छे खाने बनाने लगे सुशी तो अच्छा खाना बनाते ही है बट सुशी हम बहुत मंगाते हैं तो सुशी एक जापानीज डिश है जो मेरे को और उन्नति और ऋषु को बहुत पसंद है एशियन खाना बहुत खाते हैं तो वो मैं आपको सबसे पहले ट्राई करवाने वाला हूँ आप खाओ आपको कैसी लगती है ऑल्सो सारा खाना वेज मंगाया मैंने मेरे लिए बहुत मुश्किल था सब कुछ वेज मंगाना बट मम्मी खाते सिर्फ वेज है तो वो मेरे को देखना पड़ा बिकॉज डिफरेंट क्यूजीन में ज्यादा नॉन वेज अच्छा होता है बट मैंने सारा वेज मंगाया तो वेज सुशी जो हम मोस्टली वही खाते हैं वहाँ पे एवोकाडो सुशी वो आपको ट्राई करवाने वाला हूँ एंड आप खा के देखो कि आपको कैसी लगती है ठीक है ओके सो ये रही हमारी सुशी ठीक है ये ऐसी दिखती है सुशी अगर किसी ने नहीं खाई वैसे खाई होगी तो ये एवोकाडो सुशी है ठीक है वैसे इसको चॉपस्टिक्स से खाते हैं चॉपस्टिक्स पता ही होगा आपको इसको घर में कई बार लाए मैंने कहा पता नहीं क्या तो ये चॉपस्टिक्स इसको ऐसा पकड़ के ठीक है इसको लोग ऐसे पकड़ के खाते है ऐसा पकड़ के और ऐसे अच्छा आप ट्राई करना चाहोगे चॉपस्टिक्स ऐसे ऐसे फोक से भी खा सकते हो एक बार ट्राई तो करो पहले इसको ऐसे हाँ अब हाँ। एक फिंगर से इसको दबा दो ये वाली ऊपर वाली से ये हाँ इसको दबाओ थोड़ा हाँ बस बढ़िया अब इसे एक ही बारी में सब खा जाओ एक ही बारी में सारा ठीक है सही था मैं खिला देता हूँ चलो अच्छा है अच्छी लगी सुशी आपको मम्मी को सुशी अच्छी लगी एक और खानी है सुशी चले ले लो चॉपस्टिक इससे नहीं खाए मैंने फोक से खानी है जैसे मर्जी खाओ वो तो खाने का तो हाथ से खा लो मैं तो हाथ से खाता हूँ हाथ से जा रही हूँ चीज इसको ऐसा पूरी एक ही साथ में हाँ और भी आइटमें खानी है अभी काफी सूची से ना पेट भर लियो ये ना क्रीमी क्रीमी है आपको बता रहा था उसमें क्या क्या है सबसे पहले तो इसमें राइस है जो उनके राइस होते हैं स्टिकी राइस टाइप्स होते हैं सुशी के अलग से राइस आते हैं वो है एक पेपर होता है उसमें रोल करते हैं वो पेपर भी इसके साथ ही आता है वो भी एडेबल होता है खा सकते हैं उसको और इसमें एवोकाडो है एवोकाडो सुशी है जो मैं खाता रहता हूँ घर पे एवोकाडो क्रीमी होता है इसलिए आपको थोड़ा वैसा क्रीमी लग रहा है मशी का और ज्यादातर और तो आई गेस क्यूकंबर होगा इसमें मतलब बहुत हेल्दी भी है अच्छी भी है खाने के लिए टेस्ट है सॉफ्ट है अच्छी लगी आपको सुशी ना बहुत अच्छी
मम्मी को सुशी अच्छी लगी, मेरा तो हो गया वीडियो यहाँ पे खत्म होती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय भी कर दिया ठीक है। तो पहली पास हो गया, पहला हमारे से पास है। ओके तो जापानीज हमने वैली क्यूजीन मंगाई थी, वो तो पास अच्छा, हो गई। इसीलिए सुशी सुशी खाते हो? हां इसीलिए, तो क्योंकि इतनी टेस्टी होती है, बहुत स्वाद है, बहुत आपके आप खा रहे हैं। ओके गाइस, सो जो हमारी सेकंड क्यूजीन है वो है मिडल ईस्टर्न की बहुत ही ज्यादा फेमस डिश, जो मेरे को भी बहुत ज्यादा पर्सनली पसंद है, वो है हमस। हमस करके डिप होती है जो ब्रेड के साथ, वहाँ पे उनके अलग अलग टाइप्स की ब्रेड होती है, उसके साथ वो खाते हैं। वो हर चीज के साथ मोस्टली हमस खाते हैं। सो दुबई, दुबई दुबई में, दुबई अच्छा। में हो गया और वो सारे मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज है, इंडिया में बनती है, इंडिया में बहुत बनती है। अब ये डिप की तरह होती है, इसके साथ ऐसा लगा के खानी होती है, इसके साथ ब्रेड आती है, इसको डिप करके बस खाना। ठीक है आप खाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या है और आपको कैसी लगी मेरे को बताना। और ये पीटा ब्रेड है और ये हमस है। मेरी मम्मी है ना, जापानी ज्यादा चले, ये थोड़ी फिक्की फिक्की है, फिक्की फिक्की बट डिप ही होती है। तो ये आप मतलब जैसे आप मेन कुछ चीज खा रहे हो उसके साथ साइड पे खाते हैं लोग एज अ साइड। अच्छा अब आपको बताऊंगा क्या है तो आप फिर समझोगे कि क्या है। ये थोड़ी सी ना इडली जैसी है, इडली जैसी लग रही है, इडली जैसी है, फीकी होती है, टेस्ट कम होता थोड़ा। मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या, जो नॉर्मल ब्रेड है ये पता है कैसे बनता है, जो होते हैं चिक पीस, व्हाइट चने, चिट्टे छोले खाते हैं, उसको मिक्सी में मैश करते हैं ऑलिव ऑयल के साथ। ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल रहता है, गार्लिक रहता है और चिक पीस को डाल के मैरिज, और बहुत इजी होता है, घर में बनाते हैं लोग और चटनी बना के रख लेते हैं, काफी खराब नहीं होता। जैसे ये नारियल की चटनी नहीं बनाती इडली के साथ, वो लग रहा है। है तो आपको कैसी लगी? ये लोग बहुत खाते हैं, बहुत ज्यादा। अच्छा, फिक्की फिक्की है, चलो कोई बात, मतलब ठीक लगी बट फिक्की फिक्की लगी है। ठीक है, आइटम तो अच्छी है, आइटम फिक्की है लेकिन फिक्की है, चलो ठीक है, ऑयल बहुत है, ऑयल बहुत है, ऑयल ज्यादा डालो। ओके सो हमारी तीसरी क्यूजीन की तरफ चलते हैं। हम तीसरी क्यूजीन है वियतनामीज वेजिटेबल्स, मैंने मंगाई है। वियतनाम की उसको अपने स्टाइल से वो वेजिटेबल्स को सौते करते हैं, बनाते हैं। अच्छा। मैंने भी ये वाली डिश नहीं खाई है, मैंने वियतनामीज खाना खाया हुआ है काफी, बट ये वाली डिश नहीं खाई है। अच्छा। कैसे ये वेजिटेबल्स को कुक करते हैं? आप जब जाते हो पेरिस ऐसी चीजें खाते हैं? पेरिस में मैं पेरिस वाली पे भी आता हूँ, वियतनामीज वेजिटेबल्स खा के देखते हैं, देखते हैं कि आपको कैसे। फीका फीका खाना खाते हो? फीका तो थोड़ा इंडियन मसाला आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं इतने कंट्रीज घूमा हूँ बट वो बोलते हैं कि हमें पता क्या बोल रहे आके कि आपको ये कैसा चाहिए, हमने बोला कि स्पाइसी मंगा लो, वो कहते हैं इट्स वेरी स्पाइसी, हमने कहा हम इंडियन है तुम लेकर आओ, कह रहे हैं वील पुट एक्स्ट्रा स्पाइस, आप नहीं खा पाओगे। एडम साहब उनको देख रहे थे कि भाई आइए से पेरिस की बात है, उसने पूरी हॉट सॉस जितने भी स्पाइस हो सकता था सब डाल दिया लेके आया और हमें पता भी नहीं लगा। फिक्की हमने कहा उनका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्पाइसी भी हमारे लिए कुछ नहीं है, एंड मैं बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाता हूँ, मैं भी आई वाज लाइक ये क्या है भाई, दिस इज नॉट स्पाइसी। तो इंडियंस कुछ और ही लेवल पे चलते हैं स्पाइस के मामले में, हमारे को कोई बीट नहीं कर सकता। ज्यादा टेस्ट मसाला जो भी जितने भी मसाले घर में, इतने मसाले पड़े होते हैं हमारे घर में, कितने मसाले पड़े हैं, हम दो तीन दिन खाने पे सरवाइव कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं, उसके बाद वी नीड आर मसाला, वी नीड आर इंडियन फूड। नमक में अच्छा होना चाहिए, टेस्ट अच्छा हो फिर खाने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब हम चलते हैं हमारी वियतनामीज वेजिटेबल की तरफ। तो ये मैंने भी नहीं कभी खाई हुई आइटम, ये वियतनामीज वेजिटेबल कुक हुई है, इसमें डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं काफी जो मैं देख सकता हूँ। वेज में मेरे को यही मिला तो मैंने कहा यही मम्मी के लिए मंगा के देखते हैं। ये वियतनाम वियतनामी स्टाइल से कुक किया हुआ है, तो ये कैरेट मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ, साथ में और मैं मशरूम नहीं करवाता, मशरूम ज्यादा नहीं खाते, तो आके देखो और बताओ आपको कैसा लगा। ये लोटस स्टेम भी है इसमें, लोटस स्टेम भी है, एक मिनट, ये अच्छा लगेगा आपको। ये पता कैसे है? ये टेस्टी है, टेस्टी है, ये वो चिली कॉलीफ्लावर जैसा। अच्छा मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, मैं वो लोटस स्टेम पहले खाऊं, सेम भाई चिली कॉलीफ्लावर, मेरे को लग दिखने में भी वैसे ही लग रहा है ऐसा, तो ये लोटस स्टेम होता है, ये उसमें भी डाला होता है एशियन में भी, ये टेस्ट सेम है, वही टेस्ट है, वही थोड़ा मीठा 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 मीठा, ये आप खाओ आपको अच्छा लगेगा।
कुरकुरा, ये लॉटेस्ट है, वैसे ही होता है कुरकुरा सा। अच्छा लगा आपको? ये ठीक है, मतलब काफी अच्छी तरह कुक की हुई है, थोड़ा सा स्वीट है, थोड़ा सा मीठा भी है, मतलब हाँ इंडियन वे में बोलेंगे तो वो हनी चिली कॉलीफ्लावर ही है, वैसे ही टेस्ट है, पर ठीक है, मतलब पास तो है, मतलब साइड में मेन खाने के साथ मैं साइड में खा सकता हूँ थोड़ी सी। नहीं नहीं ये अच्छा है, काफी अच्छा है, बढ़िया। क्या है? सिरा। चलो ठीक है, हमारी तीन क्यूजीन्स हो चुकी है डन, अब हम आते हैं हमारी लास्ट क्यूजीन पे। तो आपको पता है हम गए थे ज्यादा स्विट्जरलैंड एंड पेरिस, हम गए थे फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड, बट हमने ज्यादा खाना इटालियन ही खाया था वहां पे, तो मैं आपको इटालियन ट्राई करवाने वाला हूँ। तो आपको इटालियन ट्राई, दो है मेरे पास आइटम्स इटालियन में। अच्छा। एक है रिजोर्टो जो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है, एक है पिज्जा, मार्गरीटा पिज्जा। कौन सा पिज्जा? मार्गरीटा पिज्जा, मार्गरीटा पिज्जा, मार्गरीटा पिज्जा, जो मतलब कुछ नहीं रहता, प्लेन रहता, उसमें ज्यादा स्टफिंग नहीं रहती, ऊपर से कुछ ज्यादा डाला नहीं होता, प्लेन पिज्जा रहता है, मतलब हाँ प्रॉपर प्योर पिज्जा। एंड सेकंड इज रिसोर्टो, तो आपको पहले पिज्जा ट्राई करवाता हूँ, फिर आपको रिसोर्टो ट्राई करवाता हूँ। ठीक, तो ये रहा हमारा पिज्जा मार्गरीटा, काफी बड़ा पिज्जा आया हुआ है घर पे। ये बट काफी थोड़ा ठंडा हो गया, बट आपको देखते टेस्ट करके देखो आपको कैसा लगता है, फिर आपको बताता हूँ कि मेन डिश में क्या क्या रहता है। इसमें ऑर्गेनो वगैरह नहीं डालता अभी, वरना उसकी टेस्ट आता फिर ज्यादा। जो डोमिनोज का था ना चीज बर्स्ट, जिसमें चीज भर भर के डला, चीज आया वो सब, वैसे वो मार्गरीटा में भी आता है, बट थोड़ा ठंडा हो गया अभी। तो इसमें मेनली रहता है टमेटोज रहते हैं, यहाँ से ये चीज है, चीज यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें ज्यादा रहता है मोजरेला चीज रहता है, टमेटोज रहते हैं, गार्लिक रहता है, और प्लेन पीस सॉस रहती है। अच्छा है, अच्छा लगा आपको? अच्छा है, यहाँ से खाओ ना, यहाँ सॉफ्ट चीज लगाओ, है ना, ठंडा हो गया थोड़ा, इसलिए शायद आपको ले लो, नहीं नहीं अच्छा है, ले लो एक बाइट ले लो, मैं खाता हूँ बाद में, अभी अभी नहीं खा पाऊंगा मैं। अब लास्ट आइटम की तरफ आते हैं, आपको मेरे को पता है मशरूम ज्यादा नहीं पसंद, मुझे मशरूम कम पसंद है, बट ये मशरूम रिसोर्टो है, आपको मशरूम नहीं खिलाऊंगा, बट आपको थोड़ा थोड़ा मशरूम का टेस्ट तो आएगा। चावल बने होते चावल ही है, तो मशरूम रिसोर्टो, रिसोर्टो में चावल ही रहता है, क्रीमी सॉस रहती है जो पास्ता में डालते हैं, वैसी टाइप सॉस रहती है, और इसमें मशरूम है। अच्छा। और बहुत ही अलग टाइप के चावल होते हैं, हमारे हमारे हम जैसा खाते चावल वैसे चावल नहीं है, डिफरेंट स्मॉल ग्रेन राइस रहता है। आपको मशरूम नहीं देता हूँ, बट चावल टेस्ट करवाता हूँ कि कैसे लगे मशरूम रिसोर्टो, मॉम पहली बार खा रहे हैं। तो बहुत स्वाद है। मेरी मम्मी भी स्वाद के पूरे पट्टे हुए हैं, सभी टेस्टी लगे। खाना तो स्वाद ही होना चाहिए था, ये कैसा लगा आपको? ये स्वाद है, काफी अच्छा है। हाँ अच्छा है, चावल है ये, चावल क्रीमी चावल है, क्रीमी चावल है ये, उसमें ना राइस में टेस्ट आ रहा है जैसे क्रीम का होता है, और वो मशरूम का भी आपको टेस्ट आ रहा होगा। मशरूम ऐसा टेस्ट करता है, देख लेती हूं मैं, मशरूम बहुत अच्छा होता है, मैं अब बहुत पहले बिल्कुल नहीं खाता था, बट मशरूम बहुत खाने लग गया, खाके देखो, तो खाता ही हूँ, मशरूम का टेस्ट आ रहा है, अच्छी है मशरूम, मैं इसलिए नहीं खाती ना, वो सॉफ्ट सॉफ्ट लगती है, मैं चिकन खाती ना तो वो लगता है जैसे टेस्टी है। रिसोर्टो इज वन ऑफ माय फेवरेट। हां अच्छा, रिसोर्टो रेवियोली, वाओ। ओके सो गाइस, मैंने मम्मी को चार पांच क्यूजीन्स ट्राई करवा दी है, मम्मी ने मोस्टली ये चीजें नहीं खाई हुई थी, पिज्जा खाया होगा, बट आई गेस इंडियन खाया था, इंडियन टाइप वाला खाया, चीज बर्स्ट डोमिनोज खाई, मार्गरीटा वाला नहीं खाया था। तो मम्मी से लास्ट आउटर से पहले ये पूछते हैं कि आपको कौन सा बेस्ट लगा, इन कौन सा ऐसा लीस्ट फेवरेट लगा, कौन सी क्यूजीन आपको सबसे बढ़िया लगी? तीसरे नंबर पे ये क्या है,
पिज्जा और वो एक आइटम रहेगी, मतलब हम वो नहीं अच्छा हमें सबको बहुत ओके लगा कि वो थोड़ा और उसमें कुछ और ऐड हो सकता, मतलब हमस तो फीका था इसलिए नहीं जाना हाँ, जैसे नमक में से था ही नहीं वो, इसलिए बिकॉज वो हमेशा साइड्स की तरह यूज होता है, लोग उसको साइड पे खाते हैं, मेन डिश कुछ और, जैसे चिकन बिरयानी के साथ वो खा लिया, अच्छा साइड पे लिखा है, बट नॉट बैड, नहीं नॉट बैड, अच्छा ठीक है, लेकिन टेस्टी कम है, टेस्टी कम थोड़ा फीका, क्योंकि उसमें एक तो ऑयल का टेस्ट आ रहा है, सीधा ऑयल का टेस्ट आ रहा है, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है ठीक है, व्हाट अ गुड, नंबर वन पे तो सुशी हो चुकी है, व्हाट अ गुड वीडियो, व्हाट अ फन वीडियो, ऐसी मम्मी के साथ वीडियो बनाने में बहुत मजा आता है, होप मम्मी को मजा आया होगा ये ट्राई करके सब कुछ, मजा आया खाने में, मजा आया, नई नई चीजें खाई, चलो नई नई चीजें मिल गई, एंड दिस वाज इट, आई होप यू लाइक द वीडियो, मैं व्लॉग करने का जैसा था, मैंने कहा व्लॉग की जगह मम्मी के साथ एक चैलेंज वीडियो शूट कर लेते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगी, एंड आई होप आपको देखने में मजा आया होगा, इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, मेरी मम्मी का इंस्टाग्राम पेज है एस के छावड़ा घर का, अगर आपको वीडियो क्यूट लगी तो मम्मी को जाके फॉलो करो, कितने फॉलोअर्स आपके, मेरे 15,000 बच्चों।